3,000 यानी 3,060 का पेट्रोल पड़ेगा। यहाँ पे डल रहा है स्पीड वाला प्रीमियम पेट्रोल जो आता है। हे गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग और आप देख रहे हैं ट्रैवलर सुशील। तो आज हम लोगों का प्रोग्राम है कुछ इस तरह। फिलहाल अभी तो हम हैं ठूठीबारी में, और ठूठीबारी ये महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, नेपाल इंडिया का बॉर्डर है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं कानपुर के लिए। हमारे साथ आज का ड्राइविंग देवेंद्र भाई करेंगे, बने रहिए वीडियो के साथ आप लोग। चलिए इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको दिखाएंगे। सामने एक लस्सी बनाता है, वहाँ पे लस्सी पिया जाएगा, पिया नहीं जाएगा, गाड़ी में लेकर रख लिया जाएगा, पीते पीते चलेंगे गाइस। यहाँ पे लस्सी मिर्ची सब मिलता है गाइस, मुस्कान लस्सी कार्नर करके है। लस्सी, यहाँ का लस्सी बहुत फेमस है गाइस, देख सकते हैं। चलिए खाते हैं। तो गाइस लस्सी तो बहुत गजब की है और हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं, मिलते हैं आपके रास्ते में। तो यहाँ पे 60 रुपये का पेट्रोल डलवाया जा रहा है गाइस कानपुर जाने के लिए, देख सकते हैं। और ये आ गया 3,000 यानी 3,060 का पेट्रोल पड़ेगा। यहाँ पे डल रहा है स्पीड वाला प्रीमियम पेट्रोल जो आता है। तो भैया 3,260। हेलो। तो हम लोग अभी गोरखपुर में आ चुके हैं, देख सकते हैं जाम का मजा लेते हुए। और ये गोरखपुर का आपका ट्रांसपोर्ट नगर का चौराहा है। और अभी बज गए हैं 7:04 बाकी है 7 बजने में गाइस। तो यहाँ रोड साइड सब फल वगैरह लगाते हैं, इस वजह से यहाँ पे काफ़ी जाम रहता है। अभी हम लोग अयोध्या पहुँचने वाले हैं, और अगर हम लोग अयोध्या आते हैं इस साइड तो एक अयोध्या सिंह ढाबा पड़ता है, वहाँ पे हम लोग रुकते हैं गाइस। तो आइए, बस 2-5 किलोमीटर और रह गया है वो ढाबा। अभी भी गाड़ी चला ही रहे हैं, अब शायद खाना खाने के बाद हम गाड़ी चलाएंगे। थकान लग गया है हाँ? कैसे अभी थका नहीं लगा? अच्छा, थका भी नहीं लगा है गाइस, थकेंगे तब हम चलाएंगे गाइस। बाकी समय हो रहा है अपना 8:56, 9 बजने वाले हैं गाइस। 5-10 मिनट में और अयोध्या सिंह ढाबा पे पहुंच जाएंगे। तो आइए चलिए कुछ खाते हैं, फिर वहां से आगे की जर्नी स्टार्ट करते हैं। तो फाइनली गाइस हम लोग अयोध्या सिंह ढाबा पहुंच चुके हैं। ये रहा अयोध्या सिंह ढाबा, कुछ इस तरह का दिखता है गाइस। आपको दिखाते हैं अयोध्या सिंह ढाबा पे क्या क्या मिलता है खाने को। आगे आगे लगा दो, वहाँ पे आगे 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 वहाँ सामने अल्टो के जस्ट बगल में अल्टो खड़ी है ना। हाँ, सीधे लगा दो, वहाँ पे लगा दो, चाहे कहीं लगा दो, बात खत्म। लगाइए सीधे लगाइए, बस ठीक है, इसके बगल में लगा दीजिए। कानपुर की गाड़ी की नंबर है, हम लोग भी कानपुर ही जा रहे हैं गाइज। तो गाइज ये अयोध्या सिंह ढाबा, चलिए अभी 5 मिनट गाड़ी में ही वेट किया जाएगा, बिकॉज क्लाइमेट हम लोग को इतना ठंडा हो गया है, थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तब बाहर निकलेंगे गाइस। हम लोग अयोध्या सिंह ढाबा के अंदर आ चुके हैं और चल रहे हम लोग अपना ऑर्डर देने के लिए। आइए देखते हैं क्या है खाने का। पहले आपको यहाँ का एंबियंस दिखा दे रहे हैं किस तरह का है। तो अगर आप लोग लखनऊ की तरफ जा रहे हैं तो अयोध्या थोड़ा सा पहले ये पड़ता है अयोध्या सिंह ढाबा। हाँ वही है, ये है कुछ अयोध्या सिंह का। हाँ लिख दो, हाँ हाँ एकदम लिख दीजिए। ये है कुछ अयोध्या सिंह ढाबा का कुछ इस तरह का इंटीरियर है। तो अच्छी खासी व्यवस्था है गाइस बैठने के लिए, खाने पीने के लिए, हर चीज़ के लिए। मतलब पीने वाला गलत मत समझिएगा गाइस आप लोग, खाने के लिए पीने के लिए पानी है यहाँ पे गाइस। मिलती है एक बदनाम लस्सी, ये अंकल जी आ गए ऑर्डर लेने के लिए। चलिए मेनू कार्ड देखते हैं, बताते हैं अंकल जी दे रहे हैं क्या। इस हम लोग खाना आ चुका है, देख सकते हैं इतना सारा खाना है। खाने वाले बस 2 लोग हैं, अंकल सर्व कर रहे हैं।
चलिए शुरू करते हैं खाना। चलिए चालू करिए स्टार्ट। हम लोग खाना वगैरह खा करके निकल चुके हैं और ड्राइव अभी मैं कर रहा हूँ, अभी सोएंगे। आइए चलिए मिलते हैं आप लोगों से आज लखनऊ, क्योंकि आज कानपुर तो आज नहीं पहुँचेंगे, तो अभी लखनऊ रुक करके होटल ले लिया जाएगा और बस कल सुबह मिलते हैं आप लोगों से। फिलहाल तो अभी के लिए लखनऊ चलते हैं, देखते हैं वहाँ पर होटल वगैरह रुकते हैं। ये कुछ रात का, ये गोरखपुर टू लखनऊ हाईवे है NH। चलिए हम लोग लखनऊ में पहुंच चुके हैं। देखिए लखनऊ के पहुंचते ही लाइटिंग का जबकि दिखने चालू हो गई, देख सकते हैं आप लोग कितनी अच्छी लाइटिंग की गई है। चलिए होटल की तरफ चलते हैं गाइस। तो ये है गाइस पॉलिटेक्निक का चौराहा लखनऊ का, रात में कुछ इस तरह का दिखता है, देख सकते हैं आप लोग। ऊपर मेट्रो गई है, नीचे गाड़ियां चल रही है और ऊपर ब्रिज भी है। तो गाइज ये है अपना रूम, कुछ इस तरह का देख सकते हैं। हम लोग रूम में आ चुके हैं, लखनऊ में इसमें रुक रहे हैं। रूम कैसा लगा आपको गाइज? गाइज हैं जी, इसको रखते हैं, इसको बंद। होटल जिस दिन रुके थे आप लोग गाइज, पिछले बार हम लोग इसी रूम में रुके थे और 1300 रुपये अच्छा है, ठीक है। और ये पॉलिटेक्निक चौराहा से थोड़ा सा आगे आएंगे तो दाहिनी साइड में पड़ेगा इंडिया हॉल ना, हार्ड वाला हो। तो गाइज हम लोग होटल में आ चुके हैं लखनऊ में, क्योंकि ज़्यादा रात हो गई थी, कानपुर के लिए सुबह निकलेंगे। तो अगर आप लोगों ने यहाँ पर मेरा ब्लॉग देख लिया है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिएगा, कोई त्रुटियाँ होंगी तो माफ़ी चाहेंगे। और कल फिर मिलते हैं आप लोगों से कानपुर में गाइस, और बताएंगे कानपुर क्यों जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं। ब्लॉग में देखने आने वाले ब्लॉग में आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए चलते हैं, सोते हैं, आप लोग भी सोइए। गुड नाइट।